हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्जी प्रमाण पत्र वाले 93 शिक्षकों पर होगी प्राथमिकी। 19 नियोजन इकाइयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित 93 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। डीईओ ने नियोजन इकाई को 2 दिन प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसमें फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल होने वाले अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई वर्ष 2019-20 के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की जांच कराई गई थी। इसमें से 19 नियोजन इकाइयों से 93 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर चयनित पाए गए हैं। इसमें से 63 के TET, जो BTET का प्रमाण पत्र होता है, और 63 BTET और CTET दोनों मिला के 63, और 23 बताया जा रहा है कि BTEC की पात्रता वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में बताया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे इसकी सच्चाई क्या है। तो मिलते हुए फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।